उस वक्त आ रही है जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। बड़ी खबर आपको बताएं श्रीनगर से, जहां एनआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आतंक अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा है एनआईए ने। पत्थरबाजों ने एनआईए टीम पर हमला किया था, जिसके बाद शिकंजा कसते हुए एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए की बड़ी कार्रवाई, जहां अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसा है। एनआईए की टीम पर पत्थरबाजों ने पथराव किया था, हमला किया था, उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और जानकारी लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए। इश्तियाक जी, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से बताई जा रही है पत्थरबाजों पर? बिल्कुल पारुल, मैं आपको बता दूं कि लखपुर अटैक के बाद जो अलगाववादी नेताओं पर कार्रवाई की गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, आपको बता दूं कि पहले अलगाववादी नेताओं को सिक्योरिटी को लिया गया है, उसके बाद उनके पास जो वीवीआईपी अकोमोडेशन थी उसको लिया गया है, और आज एनआईए आखिरकार मीरवाइज उमर फारूक के घर पर पहुंच गया है, वहां पे उन्होंने रेड किया है। उसके बाद यासीन मलिक जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो सरपरस्त आला है वहां पे पहुंच गया है, उनको वहां पे रेड किया गया है। उसके बाद जो सहराई है अलगाववादी नेताओं का जो चेयर वहां पे पहुंच गया, उनको रेड किया गया। उसके बाद जो आम नागरिक है वहां पे जूही दफा 144 लगाया गया है श्रीनगर में, उसके बाद जूही एनआईए का टीम मैसूर पहुंच गया है, जो कि श्रीनगर का दिल माना जाता है। वहां पे जब एनआईए का टीम पहुंच गया है तो वहां पे जब सुबह उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसके फौरन बाद ही जो पत्थरबाज है वो निकल आए हैं, उन्होंने पथराव शुरू किया है जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सिडर्स और पुलिस फोर्स पर, एनआईए टीम पर। आपको बता दूं कि उसके बाद उनको काबू करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने टायर के शेलों का इस्तेमाल किया है, हवा में फायरिंग की, लेकिन एनआईए ने आखिरकार वहां पे जो काम उनका करना था वो उन्होंने अच्छे से किया है। उसके जो ही एनआईए वापस निकल आया वहां से, तो वहां पे पत्थरबाजों ने उनपे भी पथराव किया है, लेकिन आपको बता दूं कि अभी वहां पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। रिस्ट्रिक्शन लगाने के बावजूद भी पत्थरबाज जो है वो बाज नहीं आए, तब भी उनने जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर पथराव किया है। बताया जा रहा है कि 10 से 15 आम नागरिक जो है स्टोन पेल्टर्स जो है वो घायल हो गए हैं टायर के शेलों से, और पैलेट जो चलाए गए हैं वहां पे। आपको बता दूं कि ये एनआईए ने बड़ी कामयाबी आज हासिल की है श्रीनगर में, अलगाववादी नेताओं पे जो उन्होंने कार्रवाई की है वो उसमें सफलता रही। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो बड़ी कार्रवाई एनआईए की तरफ से पत्थरबाजों पर की गई है, जहां अलगाववादी नेता अलगाववादियों पर शिकंजा कसा है एनआईए की टीम ने। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पत्थरबाजों की तरफ से एनआईए की टीम पर हमला किया जा रहा था, पथराव किया जा रहा था, और बड़ी कार्रवाई करते हुए शिकंजा कसा है एनआईए ने। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की आप देख रहे हैं, जहां एनआईए की टीम पहुंची। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पत्थरबाजों ने इस घटना को अंजाम दिया है, और एनआईए ने भी बड़ी कार्रवाई करते हुए इन पर शिकंजा कसा है। जम्मू कश्मीर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एनआईए की टीम पर पत्थरबाजों ने पथराव किया, उसके बाद एनआईए ने अब अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। हाल ही में हुए पाकिस्तान पर एयर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आई हैं, जहां एनआईए भी मामले में सख्त है, अलगाववादी नेताओं पर शिकंजा कसना एनआईए ने शुरू कर दिया है।